हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपका भी इंस्टाग्राम का रील्स नहीं चल रहा है? क्या आपका भी इंस्टाग्राम का स्टोरी नहीं चल रहा है? देख सकते हैं दोस्तों, क्या आपका भी इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है तो फिर इस वीडियो को आप देखते रहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम पे एक और नया प्रॉब्लम आ चुका है। देख सकते हैं दोस्तों कि हम यहां पर जब भी इंस्टाग्राम को चलाते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम नहीं चलता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर मैं किसी का स्टोरी भी देखता हूँ तो वो भी स्टोरी भी नहीं दिख रहा है और यहाँ पर हमें इस तरह का एरर शो हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर रिफ्रेश का एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं अब दूसरा किसी का भी स्टोरी देख रहा हूँ तो उसका भी ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों, मैं रील्स भी देखता हूँ तो रील्स भी थोड़ा सा देखने के बाद स्क्रॉल डाउन करते ही थोड़ा सा नीचे जाते ही यहाँ पर जो है देख सकते हैं नो इंटरनेट कनेक्शन इस तरह का हमें शो होता है। देख सकते हैं दोस्तों, हमें ऊपर का दिख रहा है लेकिन नीचे का रील्स जो है वो नहीं दिख रहा है और यहाँ पर बहुत सा नो इंटरनेट कनेक्शन दिख रहा है, देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम का भी नहीं चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करने का ऑप्शन है लेकिन यहाँ पर रिफ्रेश हो ही नहीं रहा है और ये नहीं चलता है, ठीक है, वर्क नहीं करता है। दोस्तों, तो मैं आपको ये प्रॉब्लम बताऊंगा कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो है स्टोरी का प्रॉब्लम हुआ, आप किसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए, सबसे पहले आपको इसको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को ये वाला जो इंस्टाग्राम है इसे आपको अनइंस्टॉल करना होगा। इसे अनइंस्टॉल क्यों करना होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, अनइंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको आईडी और पासवर्ड याद नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आप इसे अनइंस्टॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं याद होगा तो फिर आप इसे लॉगिन नहीं कर पाएंगे ना इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने आईडी पासवर्ड को ध्यान से याद कर लीजिए, उसके बाद इसे अनइंस्टॉल कीजिएगा। अब अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, उसके बाद आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जैसे ही आप दोस्तों जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम ओल्ड एपीके, ठीक है, इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन लिख करके सर्च करेंगे, ऊपर में ही आपको दिख जाएंगे दोस्तों इंस्टाग्राम का एक वेबसाइट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही थोड़ा सा आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक वर्जन दिखेगा, ठीक है, कोई भी एक वर्जन को यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो एक को डाउनलोड कर लीजिए इसे डाउनलोड पर क्लिक करके, और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके और इसे डाउनलोड होने दीजिए दोस्तों। ये जब डाउनलोड हो जाएगा 100% में, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है आगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने डाउनलोड किया है अभी क्रोम ब्राउज़र से उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम इंस्टॉल हो चुका है, तो फिर हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड डाल लेना है, ठीक है, आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो है इंस्टाग्राम लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम हमें लॉगिन हो चुका है। अब हम यहाँ पर स्टोरी वही वाली देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टाग्राम का जो ये स्टोरी है वो दिखने लगा है, देख सकते हैं, मतलब कि स्टोरी जो भी है वो दिखने लगा है दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और मैं स्टोरी देखना चाहता हूँ, देख सकते हैं ये वाला, तो ये नहीं दिख रहा था, अब देख सकते हैं कि हमारा जो स्टोरी है वो भी दिखने लगा है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी को देख सकते हैं दोस्तों, और रील्स का जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, लेकिन यहाँ पर जो है वो चलने लगा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम के इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।